वेलकम बैक टू न्यू वीडियो जय। और एक्चुअली अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ बिजनेस वेरिफिकेशन के बारे में, ये देखिए मेरा कल ऐड चल रहा था, चलते चलते बिजनेस वेरिफिकेशन मांग दिया। ठीक है, तो बिजनेस वेरिफिकेशन देखिए कल ऐड, कल के डेट में ऐड चला है, आप लोग देख सकते हैं क्लिक इंप्रेशन को भी आया है। ठीक है, चलते चलते बिजनेस वेरिफिकेशन मांग दिया, जैसे कि मैं अभी ऐड लाइव करने जा रहा हूँ तो वेरिफिकेशन मांग, देखिए अभी 9:39 होने, 10:45 होने जा रहा है। अभी क्लाइंट का कॉल है कि ऐड चालू कर दीजिए, तो ऐड जैसे ही चालू करने जा रहा हूँ बिजनेस वेरिफिकेशन मार दिया और पॉज कर दिया है। लिया है कंप्लीट बिजनेस ऑपरेशनल वेरिफिकेशन, योर अकाउंट इज पॉज टू अवॉइड अकाउंट सस्पेंशन, कंप्लीट वेरिफिकेशन बाई डेट दे दिया है, इतने तारीख तक नहीं करोगे तो आपका ये फाइनली सस्पेंड कर देगा। ठीक है, एक्चुअली क्या ये सस्पेंड कर दिया था अकाउंट, तो सस्पेंड कर दिया था तो मैं इसको पहले अनसस्पेंड कराया, अनसस्पेंड कराया तो एक दिन ऐड चले उसके बाद बिजनेस वेरिफिकेशन मांग दिया। देखिए इसका मैंने इस ईमेल आईडी का मैं आपको मेल चेक कराने जा रहा हूँ। खुलने में टाइम लग रहा है, ये आप देख सकते हैं मेल क्या आया है, मेल आया है अकाउंट पॉज का मेल आया है। इसमें मैंने वो लगा दिया है, कूपन कोड लगा दिया है, कूपन कोड इसमें मेरे को 2000 रुपये का मिल गया है। 600 इन फ्यूचर आपको भी कूपन कोड की जरूरत पड़े हमें कॉल करें, हम कूपन कोड भी प्रोवाइड करते हैं। 650 रुपये मैच कर दें तो 2000 का कूपन कोड चलेगा। ओके, और आप देख सकते हैं एक और अकाउंट है, अकाउंट सस्पेंड है, ये सस्पेंड हो गया था। ठीक है, ये सस्पेंड हो गया था, फिर मैंने अपील किया, अपील करने के बाद यहाँ से फिर रीएक्टिवेट हो गया, मतलब अकाउंट अनसस्पेंड हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको भी अकाउंट सस्पेंड हो जाए, उसे अनसस्पेंड कराना हो तो हमें कॉल करें, ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे। बट गाइज अगर मैं करूँगा तो चार्ज लूँगा, अगर आप मेरा वीडियो देख करके, मेरा बाकी भी वीडियो है, मेरा वीडियो देख करके आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से कर पाओगे। आप देख सकते हैं गाइज अकाउंट रनिंग था, पैसा डाला, अकाउंट सस्पेंडेड, मतलब अकाउंट सस्पेंड हुआ है। ठीक है, सस्पेंड बार बार भी आया, बट मैंने अपील किया है, ये देख सकते हो अपील करने का भी आया है, अपील जब किया है तो गूगल के साइड से वो आया है, अब देख सकते हैं रिप्लाई आया है। ठीक है, मतलब अपील करने के बाद उसके बाद से गूगल ने वो भी मैसेज किया है कि अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया है, रीएक्टिवेट हो गया तो ऐड ये आपको चला भी। ठीक है, लेकिन उसके बाद से पॉज कर दिया है अकाउंट, जब पॉज कर दिया है तो पॉज करने का भी यहाँ पर मैसेज आया है, मतलब वो आया है, क्या बोलते हैं कि आपका मेल आया है, एक देख सकते हैं गाइज। ठीक है, अब इसको कैसे पॉज हुआ है तो कैसे ऑपरेशनल वेरिफिकेशन करेंगे वो मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूँ, आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको अगर रिक्वायरमेंट ना होगा किसी आपको यार दोस्त की रिक्वायरमेंट से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेरा वीडियो देख करके, सो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, यस्टरडे ऐड चलाएंगे और टूडे के देख में देखिए नहीं चलाएंगे क्योंकि अकाउंट पॉज है। अब कैसे करेंगे मैं कर दिक्कत नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड करेंगे। ठीक है, गेट स्टार्टेड मैंने कर रहा हूँ, उसके बाद से ये अब कंप्लीट करना है। ठीक है, कस्टमर आईडी और आपका वेबसाइट भी आईडी डिफॉल्ट लिया है। एक क्वेश्चन नंबर टू ये क्या बोल रहे हैं, इज द वेबसाइट प्रोवाइड स्टिल एसोसिएटेड विद द कस्टमर आईडी प्रोवाइड अबव, यस कंपनी नेम, द कंपनी नेम हम वो डालेंगे जो यहाँ पे बिलिंग करते समय अगर डाले होंगे वो डालेंगे, नहीं तो वेबसाइट से रिलेटेड जो हम बिजनेस नेम डालते हैं वो डाल सकते हैं गाइज। कितने लोगों को इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसी के चलते उन लोग का ऑपरेशनल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है नहीं है, फिर बोलते हैं भाई साहब आपका मैंने वीडियो देखा था और हुआ नहीं, क्योंकि कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, और फिर बोलते हैं आप कर दो, तो मैं बोलता हूँ मैं कर दूंगा लेकिन मेरा चार्ज होता है। अब मैं चार्ज भी आप लोग के नॉर्मल वेबसाइट हो तो 1000 रुपये लगता है एक वेरीफिकेशन का। ठीक है, अगर लोन टाइप फाइनेंशियल टाइप का अगर वेबसाइट हो कोई बड़ा सा मतलब कमर्शियल तो उसमें 1500 रुपये वेरीफिकेशन लगता है। ठीक है, और पेमेंट पहले आप देख मैं क्या प्रोसीजर है, आप कॉल करेंगे तो मेरा गूगल पे का नंबर जो मेरा नंबर है ये मेरा गूगल पे का भी नंबर है, फोन पे का भी है, पेटीएम नंबर है। सबसे पहले आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करके ही कॉल करें, बिना सब्सक्राइब किए हो कॉल ना करें, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर को ही हेल्प करता हूँ। ठीक है,
और सब्सक्राइब करें, कॉल करें और पेमेंट करें, ईमेल आईडी मेरे को व्हाट्सअप करें, दिन बोले कि हाँ जी मेरे ऐसे सीन है, दिन मैं आपका पर्सनल वेरिफिकेशन कर दूंगा, अकाउंट सस्पेंड हो तो अकाउंट सस्पेंशन से निकाल दूंगा, ऐड चलाना हो तो हम ऐड भी चलाते हैं, ऐड हमसे चलवा सकते हैं, वेबसाइट बनवाना हो या आपको एडवर्ड एडवर्ड लगाना हो, एसईओ करना हो, तो इस और यहाँ पे क्या लिखना होगा वो मैं यहाँ पे लिख करके रखा हूँ, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड के लिए। इसमें जो नाम है यही नाम को डालना है इसमें, ठीक है। जॉब टाइटल क्या है, आप खुद मालिक हो तो सेल्फ जॉब डाल दो, सेल्फ जॉब। कंपनी नेम क्या है जी, कंपनी नेम आपका जो होगा सो डालिए, ठीक है। मेलिंग एड्रेस डाल सकते हैं, से विशाखापट्टनम सिटी का नाम डाल सकते हैं, जो जो इसमें मतलब आपको मेलिंग एड्रेस डालना है जो आपने डाला होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इजी है बिल्कुल। अगर आप हमारा वीडियो मतलब बिना स्किप किए प्रॉपर देखते हैं देन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और आप बिना कंप्लीट वीडियो देखे बोलोगे हो नहीं रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं, आपकी इश्यू है, ठीक है, बट मेरे से करा चाहते तो हम चार्ज लेते हैं गाय, पहले बता देता हूँ। सो कोशिश कीजिए खुद से कर लें, पैसा क्यों दें, ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम भाई, हम ले भी लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बार हम रीच चेक कर लेते हैं, इसमें एक बार हम लोग रीच चेक कर लेते हैं कि क्या सीन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ओके गाइस, अब मैं फाइनली यहाँ पे सबमिट करने जा रहा हूँ, तो सबमिट करने से पहले एक बार फिर बता देता हूँ गाइस, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, अगर इन फ्यूचर आपको भी ज़रूरत हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो हमारा नंबर आप थंबनेल से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पेटीएम नंबर है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज, ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज। देखिए मेल सक्सेसफुल हो गया, तो गाइज इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, सॉरी नहीं जी, तो हम पेड मार्केटिंग तो नहीं कराते हैं, तो नो कर दिया। आउटसाइड कुछ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कराते हैं, नहीं जी, तो नहीं कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो इज द कंपनी इन प्रोवाइड टू प्रोडक्ट सर्विस एडवर्टाइजिंग वेबसाइट, यस कंपनी इन द प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस, इसमें दे रहा है कि इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन मतलब कस्टमर कैसे कैसे आपको कनेक्ट करता है, ठीक है, तो इसमें हम अपने दोस्त इसमें आपका कस्टमर ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और आपका यहाँ पे वेबसाइट भी डाल सकते हैं गैज, ठीक है, ऑप्शनल है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है सब डालना, आपको जो लगे, बट मैं तो डालता हूँ जाए, ठीक है। इस वेबसाइट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया,
सॉरी ये कट गया, यहाँ से उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से उठा लिया। ये रहा वेबसाइट, वेबसाइट यहाँ से मैंने कॉपी किया, फिर यहाँ मैंने पेस्ट किया, ठीक है, और नेक्स्ट जहाँ फिर ज़रूरी था वहाँ पे करूँगा, ठीक है। गाइस फाइन, अब आगे आगे देखिए क्या बोल रहा है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द कंपनी एडवर्टाइजिंग विद द वेबसाइट इज द बेस्ट डिस्क्राइब। आप वेबसाइट को बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? उसके बाद आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है, ये मैंडेटरी है समझना। आर एनी बिजनेस आर दैट डायरेक्टली प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज यूजिंग द वेबसाइट, मतलब एसईओ वगैरह कहीं कराते हैं क्या? कंपनी डायरेक्ट विद इंटेक्स, यस कंपनी को डायरेक्ट आप इंटेक्ट कर, फोन कर सकते हैं, वेब फॉर्म, ठीक है, वेब फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं गैस, ठीक है। ये वे हैं जो कंपनी से डायरेक्ट कैसे कस्टमर मीट करते हैं, उसका मतलब है। इसमें कुछ बिजनेस हो तो बिजनेस रिलेशनशिप डाल सकते हैं, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। यू आर एनी आंसर, कुछ तो कम्युनिकेशन डिस्क्राइब दे जाता है, चैनल आर नॉट एप्लीकेबल तो एन ए कर दे, ना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे ग्रुप का हम कुछ काम नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं।